नाम शाइनशा अफरीदी, काम टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करना, स्पीड के साथ गेंद को स्विंग करने में महारत, और रुतबा पाकिस्तान के गुरूर का। पाकिस्तान की टीम में लौट आया भारत का काल। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारत के खिलाफ काटा था बवाल। दुनिया की दो सबसे बड़ी जानी दुश्मन टीमें मैदान पर जंग लड़ेंगी। इस बीच चिर प्रतिद्वंदियों की भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई। फखर जमान का मेन टीम में आना भारत के लिए काल है, क्योंकि इस नाम ने बड़ी कड़वी यादें टीम इंडिया को दी है। याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मुकाबला फखर जमान ने इस तरीके से बल्लेबाजी की थी कि पूरे के पूरे भारतीय गेंदबाज ही उनके आगे सरेंडर कर चुके थे। एक जीवन दान मिलने के बाद फखर जमान ने भारतीय टीम की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। फखर ने इस पाकिस्तानी बल्लेबाज का रौद्र रूप दिखा। फखर जमान ने 106 गेंद में 114 रन ठोक कमाल कर दिया, और उनकी वो बल्लेबाजी आज भी भारतीय खिलाड़ियों को डराती है। उन्होंने उस दिन भारत के एक गेंदबाज को चुन चुन कर मारा था। अब ऐसे में उनका फिर से पाकिस्तान की टीम में शामिल होना टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की हार आज भी भारतीय टीम को बहुत चुभती है, और फखर जमान की वो पारी भारतीय गेंदबाज आज भी नहीं भूले हैं। रोहित शर्मा की सेना उनके खिलाफ किस तरीके से जाल बिछाकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करती है। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई बुरी खबर। पाकिस्तान की टीम में लौट आया खूंखार गेंदबाज रोहित, राहुल, विराट सबके लिए बनेगा काल। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर एक बार फिर पाकिस्तान की टीम में एक खिलाड़ी वापसी कर रहा है, जो भारत के लिए खौफ का दूसरा नाम है, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ गदर मचाया था, और रोहित, राहुल, विराट के लिए वो काल बन गया था। आपको बता दें कि अफरीदी वही तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 के मैच में भारत की दो सबसे बड़ी जानी दुश्मन टीमें मैदान पर जंग लड़ेंगी, मतलब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगी। इसलिए इस मुकाबले के लिए तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। रोहित की सेना जहां पूरे तरीके से अभ्यास मैच में डूबी हुई है, तो वही बाबर आजम लगातार अपनी टीम में बदलाव करके तगड़ी रणनीति बनाकर बड़ी चाल चल रहे हैं। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2022 के सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव कर डाला है, और ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जो भारत का काल साबित होता है। दरअसल मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान में इस अहम मुकाबले को लेकर सभी प्रकार की तैयारी जारी है। इस बीच चिर प्रतिद्वंदियों की भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने स्पिन गेंदबाज उस्मान कादिर के चोटिल होने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर जमान को अपनी 15 सदस्य टीम में शामिल कर लिया है। आप फखर जमान का मेन टीम में आना भारत के लिए काल है, क्योंकि इस नाम ने बड़ी कड़वी यादें टीम इंडिया को दी हैं। याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मुकाबला फखर जमान ने अकेले दम पर टीम इंडिया को मैच हराकर ट्रॉफी अपने देश के नाम कर दी थी। उस मैच में फखर जमान ने इस तरीके से बल्लेबाजी की थी कि पूरे के पूरे भारतीय गेंदबाज ही उनके आगे सरेंडर कर चुके थे। एक जीवन दान मिलने के बाद फखर जमान ने भारतीय टीम की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। फखर जमान ने अजहर अली के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। बुमराह ने फखर जमान को तुरंत आउट कर दिया, लेकिन